नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज। लाइव आने का अभी एक मकसद है और मकसद यह है कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं सुबह से ही तेज हो गई हैं। सबको पता ही होगा कि आज सुबह गुलाम नबी आजाद, जो कि एक बड़ा नाम है भारत की पॉलिटिक्स में, कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट से भी रिजाइन किया था जो उनको जिम्मा सौंपा गया था करीब एक हफ्ता पहले, और आज उन्होंने उस दिन के बाद, उस रेजिग्नेशन के बाद, आज पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से भी रेजिग्नेशन दे दिया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा धक्का है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो पहले से ही अपनी ग्राउंड पूरे भारत में ढूंढ रही है, और खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुलाम नबी आजाद को एक बड़े चेहरे के रूप में जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा था और एक उम्मीद जगी थी। जब एक रेजिग्नेशन आता है जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे मीर साहब का, और उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी अब गुलाम नबी आजाद जी के हाथ में कमान दी जाएगी जम्मू कश्मीर की, और काफी लोग खुश भी थे, खासकर अगर मैं कांग्रेस पार्टी जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात करूं। लेकिन आज एक धक्का कांग्रेस पार्टी को आज सुबह लगा जब गुलाम नबी आजाद ने एक लंबा चौड़ा लेटर कांग्रेस के प्रेसिडेंट के नाम लिखा, हाईकमांड के नाम लिखा, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही इनएक्सपीरियंस लोगों से राय लेकर कांग्रेस पार्टी चलती रही तो कांग्रेस तबाह हो जाएगी, और यही रीजन है कि 2013 के बाद कांग्रेस तबाह हो चुकी है। उन्होंने सीधा निशाना लगाया राहुल गांधी की ओर, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब से आए हैं तब से जिनको पहले कंसल्ट किया जाता था कांग्रेस पार्टी में, उनको पीछे हटाकर नौ सिखियों को जगह दी गई, जिसके बाद कांग्रेस में काफी बड़ा फेरबदल हुआ और कांग्रेस भारत की मेन पॉलिटिक्स से दूर होती नजर आ रही है, खासकर 2013 के बाद। और आज हम बात करेंगे रियासी डिस्ट्रिक्ट की, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के एक्स एमएलए जुगल किशोर शर्मा, जो गुलाम नबी आजाद के बड़े ही करीब हैं, उनकी तरफ से भी ये इशारा आया है, जो सूत्रों से पता चला है, कि उनका भी रेजिग्नेशन है अब कांग्रेस पार्टी से। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है। जुगल किशोर शर्मा, जो गुलाम नबी आजाद के साथ चलते आए हैं कई दशकों से, अब उन्होंने भी इशारा किया है कि वो भी कांग्रेस पार्टी अब छोड़ चुके हैं। जुगल किशोर शर्मा, हम आपको बता दें कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर भी रह चुके हैं, और उन्होंने जम्मू कश्मीर बनाए, और मैं आपको बता दूं कि अब उनकी तरफ से भी कांग्रेस पार्टी को रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जुगल किशोर शर्मा अब जो है, रियासी की पॉलिटिक्स की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से अलविदा कह चुके हैं। गुलाम नबी आजाद फैक्शन के माने जाते हैं, और गुलाम नबी आजाद फैक्शन के जो जो लोग भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में थे, अगर मैं बात करूं ब्लॉक प्रेसिडेंट कटरा की, ब्लॉक प्रेसिडेंट पैंथल की, या कुछ काउंसिलर्स जो कटरा की म्युनिसिपैलिटी में काउंसिलर हैं, वो भी अब रिजाइन दे चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन चुके हैं, सही सुन रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद की रेजिग्नेशन के बाद अब जितनी डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं, अब उनमें काफी ज्यादा रेजिग्नेशंस कांग्रेस पार्टी में होने वाले हैं या इस समय हो रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि जुगल किशोर शर्मा, जो एक बड़ा नाम है रियासी की पॉलिटिक्स में, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में भी, अब उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है कांग्रेस पार्टी से। ये एक खबर सूत्रों के हवाले से अभी आ रही है, और उनके जितने समर्थक हैं गुलाम नबी आजाद जी के, अब वो धीरे धीरे करके कांग्रेस से नाखुश होकर अब रिजाइन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि करीब 7-8 दिन हो चुके थे जब उन्होंने एक पोस्ट से रिजाइन किया था गुलाम नबी आजाद जी ने, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाई कमांड ने उनको कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई और जो ओहदा होना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, वो सौंपने की कोशिश नहीं की, जिसके लिए लोग गुहार लगा रहे थे हाईकमांड से कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद को मेन चेहरा प्रेजेंट किया जाए। इसके चलते अब गुलाम नबी आजाद जी ने आज सुबह सुबह रिजाइन कर दिया, और सीधे सीधे उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी पॉलिटिक्स में कच्चे हैं, वो नौ सिखियों की बात सुनते हैं, और जिनको कंसल्ट करना चाहिए उनको कंसल्ट नहीं करते, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अब पीछे डूब रही है, पीछे हो रही है। और ज्यादा झटका अब ये लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद साहब के रेजिग्नेशन के बाद
रेजिग्नेशन पे रेजिग्नेशन जम्मू कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं जो गुलाम नबी आज़ाद के फैक्शन के हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका। अब आगे की अपडेट के लिए अब और क्या होता है इस रेजिग्नेशन के बाद, आप बने रहिए NH1 न्यूज़ के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। Mm-hmm.